प्रणाम भक्तों, आप सभी को कोटि कोटि नमन। आज मैं आप सभी को एकादशी के महात्म की बात बताने जा रही हूँ। इससे क्या लाभ होगा, इसे कैसे करना चाहिए, ये सभी विधि नियमित रूप से मैं आपको बताने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि इसके स्मरण से, इसके श्रवण से और इसके नियमित पाठ से आप सभी का कल्याण हो। एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप जागरण का महात्म्य। सब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमण करने वाले श्री हरि विष्णु के तत्व को जानने वाले तथा भगवत परायण प्रहलाद जी जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे, उस समय उनके समीप स्वधर्म का पालन करने वाले महर्षि कुछ पूछने के लिए आए। महर्षियों ने कहा, प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण लोकों के हित के लिए उद्यत रहने वाले विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने संक्षेप में इस प्रकार कहा, महर्षियों, जो 18 पुराणों का सार से भी सारतर तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, उसका वर्णन करता हूँ, सुनिए। महादेव जी कार्तिकेय से बोले, जो कली में एकादशी की रात में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निद्रा नहीं आती तथा जो उत्साह पूर्वक नाचता और गाता है, वह मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से वैर करते हैं, उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो एकादशी को जागरण करते और गाते हैं, उन्हें आधे निमेश में अग्निष्टोम तथा अतिरात्र यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार विष्णु भगवान के मुखारविंद का दर्शन करते हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जो मानव द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं, वे यमराज के पाश से मुक्त हो जाते हैं। हर प्रकार के पापों से दूर करने वाला, जीवन में हर सुख सुविधा की प्राप्ति देने वाला एकादशी की व्रत कथा की कहानी मैं आप सभी के समक्ष रखने जा रही हूँ और भगवान विष्णु से, श्री हरि नारायण से मेरी यही प्रार्थना है कि इस व्रत का स्मरण जो भी मनुष्य करे, उसके जीवन के सभी संताप श्री हरि विष्णु हर ले। वरुथिनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवन, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों का नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल
वरूथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरूथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्या दान के बराबर माना गया है। वरूथिनी एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्या दान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। जो मनुष्य इस वरूथिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको कन्या दान का फल मिलता है। वरूथिनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। पहला, कांसे के बर्तन में भोजन करना। दूसरा, मांस। तीसरा, मसूर की दाल। चौथा, चना का शाक। पांचवा, कोदो का शाक। छठा, मधु यानी शहद। सातवा, दूसरे का अन्न। आठवा, दूसरी बार भोजन करना एवं नौ, स्त्री प्रसंग। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। तो एक बार प्रेम से मेरे साथ मिलकर सभी भक्तजन बोलिए, भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु की सदा ही जय हो। Sonodec Radio.